ये जो चीज है ना, भारत पाकिस्तान मुकाबला वैसे तो अच्छा हुआ, अच्छा भारत के लिहाज से तो हुआ, शायद पाकिस्तान के लिहाज से नहीं हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मजा थोड़ा किरकिरा जरूर कर दिया। जो चीजें हमें बाद में सामने आई हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर आकर कहते हैं कि देखिए भाई, जो डीजे है वो गाना बजा रहा था, मुझे ऐसा लगा नहीं ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये बायलैटरल सीरीज है। इसको लेकर काफी उनकी आलोचना हुई, काफी लोगों ने मजाक बनाया कि आप ऐसे बहानेबाजी मत करिए। लेकिन मैं कुछ कहूंगा जो शायद उनके पक्ष में होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप न्यूट्रल नजरिए से देखिए तो ये साफ होता है। देखिए, उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया, उन्होंने उसके उस सेंटेंस को जब खत्म किया, आगे जाके ये कहा कि मैं ये बहाना नहीं बना रहा। और शायद आप पाकिस्तानी टीम से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो कहेंगे भारतीय टीम 20 थी, हम 19 थे, हम में बहुत अंतर था और बेहतर टीम जीती। मुझे लगता है एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने आकर ये बात कही। और कभी कभी आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लास्ट मोमेंट आए, फैंस नहीं आए, आने चाहिए थे, कुछ हद तक आने चाहिए थे। लेकिन अहम बात यह है, आईसीसी टूर्नामेंट मैंने दुनिया भर में कवर किए हैं। आप इंग्लैंड में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, कहीं भी गए, तो आईसीसी टूर्नामेंट में क्या होता है? अगर ऑस्ट्रेलिया में मैं जैसे T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा हूं और भारतीय टीम दूसरी तरफ है, तो जो डीजे होता है वो चाहे भले ही लोकल हो, लेकिन जैसे छक्का अगर भारतीय बल्लेबाज ने मारा ना, तो आपको भारतीय गाने सुनने को मिलते हैं, इंडियन ट्रैक सुनने को मिलता है, आप उनके फैंस के लिए बजाते हैं। ये नहीं होता कि उनसे उनकी हौसला अफजाई होती है, बट एक ये आपको लगता है ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये न्यूट्रल मुकाबला है और ऐसे होना चाहिए। अफसोस अहमदाबाद में वैसा नहीं हुआ। मैं फिर दोहराता हूं कि शायद ये बहाना नहीं था पाकिस्तान की तरफ से, पर ये उनका कहना कहीं ना कहीं सही है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो होता है, जब आप मैदान पे जाते हैं तो न्यूट्रल लगना चाहिए। ठीक है, भले ही होम क्राउड के फैंस तो सबसे ज्यादा होंगे, भले ही उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप हर चीज पे, अगर मानिए पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट ले रहे हैं या उनका बैट्समैन चौका मार रहा है, तो आईसीसी टूर्नामेंट में अक्सर ये एक नियम है, अक्सर ऐसा होता है कि आप उस देश के गाने बजते हैं। जैसे आईपीएल का आप उदाहरण लीजिए भाई, गुजरात की टीम दिल्ली में जब खेलती है, सारे सपोर्टर्स दिल्ली के होते हैं, लेकिन अगर गुजरात का बल्लेबाज छक्का मारता है तो आप गुजरात का थीम सॉन्ग बजाते हैं। कुछ इसी तरह से आईसीसी टूर्नामेंट में होता है, और ये चीज मिकी आर्थर ने पॉइंट आउट की, और मुझे लगता है एक प्रोटेस्ट था, और ये भी सही है। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।